चिट्ठी का सफर। आज हम करेंगे चिट्ठी का सफर। इसके लिए हम पहले करेंगे सब्सक्राइब। चिट्ठी का सफर यानी के पत्र। पत्र हमारा किस प्रकार से सफर करता है यानी के यात्रा करता है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना घूमने, ऐसे हमारा पत्र भी घूमता है जब हम किसी के पास भेजते हैं। तो वो किस तरीके से कैसे कैसे होता हुआ पहुंचता है। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है? आपकी बुक में आपको पत्र दिखते हैं दो हैं, तो उसमें आप देखो कि ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या स्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, यानी कि पहले तो हम जिस घर में रहते हैं ना उसका नंबर जहां हम भेज रहे हैं, गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, यानी कि कुछ हम देखते होंगे टीवी पे, न्यूज़ भी देखते होंगे, वैसे भी सुनते होंगे कि कई जो गांव के नाम है ना एक दूसरे से मिलते होते हैं, सेम होते हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यानी कि यदि पिन कोड लिखा हो तो पता चल जाता है ये कौन से एरिया का पत्र है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आपने देखा ही होगा कई बार किसी फिल्मों में कि पुरानी फिल्मों में कबूतरों के सारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के
साधन बेहद सीमित थे, यानी कि बहुत कम थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे, यानी कि जो डाकिये थे ना, पैदल जा जाकर चिट्ठी पत्री देते थे लोगों को। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, यानी कि वो घोड़ों पर चढ़कर। हरकारों को ना सिर्फ हर जगह की जगहों का पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। यानी कि वो पहुंचते तो थे, लेकिन जो पत्र वो लेके जा रहे हैं, जो उनको भी उनको सुरक्षा करनी होती थी। वो किस लिए? डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जनस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। यानी कि अभी भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर हरकारे ही डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गृहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तक पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा कि पत्र पहले कैसे पहुंचाए जाते थे और अब उनको संदेश देने के और भी बहुत से तरीके हो गए। और तो और अब तो हम देखते हैं, हम बैठे बैठे कैसे पहुंचा देते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है, हमें कहीं पर कुछ पहुंचाना है, झट से पहुंचा देते हैं। तो आगे आगे हमारे देश ने इतनी तरक्की करी कि हम हर चीज बहुत जल्दी से पहुंचाने लगे। धन्यवाद।